मैं INS सतवाहना में एक ट्रेनी सबमरीनर की जिंदगी जी रहा हूँ। ये इंडियन नेवी का सबमरीन ट्रेनिंग स्कूल है। सिर्फ तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, ड्यूटी और ऑनर। सबमरीन स्कूल सावधान, सबमरीन स्कूल विश्राम। आराम से। यहाँ की ट्रेनिंग में सिर्फ टॉर्पीडो चलाना या मिसाइल चलाना नहीं सिखाते हैं, इसमें आपको फिजिक्स, कैलकुलस, केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स सिखाया जाता है। मुझे हर रोज 8 घंटे की क्लास अटेंड करनी होती है। अभी सूरज निकला भी नहीं है, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। हर रोज सुबह रोड पर 1 घंटा दौड़ना होता है, उसके बाद हम जाएंगे सीधा PT ग्राउंड। मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया, पर ये रोज करते हैं। उनकी बॉडीज बहुत टफ है, आप देख सकते हैं कि इनकी मसल्स बहुत लीन है। मेरी यस सर। मुझे लगा कि मैं जिम करता हूँ तो मैं बहुत फिट हूँ, लेकिन नेवी के नॉनस्टॉप वर्कआउट से मेरी सांस अटक गई। ठीक है, माय फेवरेट। इस पोजीशन से अल्टरनेट लेग शूटिंग फॉर एंड डियर। स्टैंड बाय। 1, 2, 3, 4, 5 एंड स्ट्रेट। अभी लेग रेस सेट अप मारेंगे, ठीक है? 90 डिग्री लेग रेस। पोजीशन प्लेस। 1, 2, 3, 4, 5 एकदम। मुझे दिन में तारे नजर आ रहे हैं। स्टैंड अप। फाइनली थोड़ी सांस आई। बीच में तो मेरी हालत खराब हो गई थी जब पुशअप्स वाली एक्सरसाइज करा रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज मोटिवेट कर रही थी, आसपास के सारे लोग कर रहे थे। ये मौका किसी को नहीं मिलता है। आई एम वर्किंग आउट विद सोल्जर्स, और मेरे साथ श्रेयस सर भी थे, तो ये थोड़ा आसान हो गया। देखिए, श्रेयस सर को देखिए, पसीना आया ही नहीं है और सांस भी नहीं चढ़ी हुई। ये बिल्कुल बढ़िया है और मेरी हालत खराब हो गई है। और अगर आप आसपास देखें तो सारे सोल्जर्स ऐसे ही चले गए जैसे कि ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। भले ही सबमरीन्स हाई टेक मशीन्स हैं और मशीन्स का खराब होना लाजमी है, इसलिए उसकी तैयारी उतनी ही जरूरी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेसिन एक्सरसाइज नंबर 125 करेंगे हम। जैसे सबमरीन में इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि आपको एस्केप करना पड़ेगा, तो सबमरीन में एस्केप करने के जो दो तरीके हैं, मैनुअल एस्केप करने के, कोनिंग टावर से आप एस्केप कर सकते हैं और टॉर्पेडो ट्यूब से एस्केप कर सकते हैं। तो आपको टावर में डालने से पहले बेसिन एक्सरसाइज हम इसलिए कराते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। सबसे पहले आपको सूट पहनना है, आपको असिस्ट किया जाएगा सूट पहनने में। ये हमारा सूट है, ईडा 15। ये कोई आम ऑरेंज सूट नहीं है, ये है क्लासिक रशियन सूट IDA 59, जिसकी मदद से कोई सबमरीनर पानी की सतह तक आकर अपनी जान बचा सकता है। अच्छा लग रहा है, बहुत चिपचिपा है और मुझे काफी पसीना आने वाला है। बस पानी में अंदर जाने की देर है। टेक लॉन्ग ब्रीथ।
कंफर्टेबल? नो, वेरी गुड. आउट. Then set और suit पहनने के बाद में अगेन हम leak test करेंगे. Safety precautions, आपको क्या क्या ध्यान रखना है exercise के दौरान. सबसे पहले है do not panic, stay calm and think. Next is breathe from mouth only. आप कोई भी diving exercise कर रहे हो या escape training कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि नाक का use नहीं करना है. ऐसे वक्त में आपको हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. पानी में जो भी हो रहा है उसकी आवाज आपके कानों में पड़ती है और पानी में जाकर कान में दर्द भी होने लगता है क्योंकि पानी का प्रेशर होता है और हमें पानी के प्रेशर को सांस लेके बैलेंस करना है. अब हरमन को दर्द होना शुरू होगा और उसके बाद इसको नाक बंद करके मुंह से सांस लेनी है ताकि प्रेशर सही हो, वरना इसे पूरे वक्त दर्द होता रहेगा. आई होप ये इसे अच्छे से कर पाए. लेट्स होप ये सही सलामत बाहर आ जाए. चेक ट्रेनिंग, चेक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग चेक सर. वेरी गुड. सेंड इट, सेंड ट्रेनिंग टू द राइट, सेंड ट्रेनिंग टू द राइट. ट्रेनिंग लेफ्ट बॉटम कमिंग अप सर. वेरी गुड. ट्रेनिंग ऑन सरफेस सर. कम आउट सर, आउट ऑफ वाटर. बस एक लंबा स्टेप लीजिए. वेरी गुड. आगे आ जाओ. Now all right. Bend down forward. Oh. Fine. Sir, गले लग जाओ. मेरा सिर हल्का हो गया है और घूम रहा है क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया. पूरे वक्त मुझे कानों में पानी की आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या हो जाता है, और अब मुझे लग रहा है कि मेरे कानों में दर्द हो रहा है. मैं अपने नाक को ठीक से बंद नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने वो समझा ही नहीं. कान में बहुत दर्द हो रहा है.